अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर रायपुर से ही हमें मिल रही है। लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 453 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 2389 एक्टिव केस हैं। दुर्ग में 88, रायपुर में 61, वासनगंज गांव में 55 मरीज मिले हैं। बालोद में 24 और बालोदा बाजार में 15 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण दर 3.42% हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं भुजेंद्र का। भुजेंद्र, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अभी अगर फिलहाल बात करें, किस प्रकार के हालात छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं और उसके लिए कदम क्या उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? निश्चित तौर पर पूनम, यह कह सकते हैं पिछले एक हफ्ते से, लगातार 7 दिनों से कोरोना संक्रमण जो है छत्तीसगढ़ में अपना पैर फिर से पसारने लगी है। लगातार कोविड के नए मरीज सामने आ रहे हैं, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 453 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। अब बात करें पिछले दिनों की, पिछले दिनों भी लगातार 411 मरीज, 380 मरीज, ऐसे लगातार जो आंकड़े खुल के आ रहे हैं। लगातार जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक्टिव मरीजों की बात करें 2379 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें काफी ज्यादा एक्टिव यह कर सकते हैं। और लगातार ये तीसरी लहर के बाद चौथी लहर जैसी स्थितियां बन रही है और लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़े। हालांकि गंभीर स्थितियां अभी किसी कोरोना पेशेंट की नहीं देखने को मिली है, क्योंकि अधिकतर जो केसेस सामने आ रहे हैं वो होम आइसोलेशन से ठीक हो जा रहे हैं पूनम। लेकिन राज्य सरकार की चिंताएं लगातार बढ़ रही है, खास करके राजधानी रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर जैसे जगह है जो छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख शहरों में से है। इन सारी जगहों पे कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं पूनम, जिससे राज्य सरकार चिंतित नजर आ रही है। कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही साथ कोविड का जो टीकाकरण है वो उसको लेकर भी सरकार लगातार जो प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य विभाग जो है छत्तीसगढ़ सरकार की, छत्तीसगढ़ में 15 जुलाई से पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में 15 जुलाई से 30 सितंबर तक कोविड वैक्सीनेशन का अमृत महोत्सव महाअभियान की शुरुआत की गई, जिसमें कल बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा भी लिया। छत्तीसगढ़ में लगातार जो है टीकाकरण के लिए, बूस्टर डोज के लिए, साथ ही साथ प्राइमरी और दूसरी डोज के लिए भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं। कई लोग जो है वैक्सीनेशन से छूट गए, तो वो भी अब लगातार स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं या स्वास्थ्य कर्मी जो है उनके घरों तक पहुंच रहे थे। टीकाकरण को भी लगातार स्वास्थ्य विभाग बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने भी लक्ष्य रखा कि हर कोई जो जिनको बूस्टर डोज लगना है उनको बूस्टर डोज लगाया जाए। जी, शुक्रिया भुजेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, लगातार कोरोना का संक्रमण छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है और इसके लिए प्रशासन की तरफ से जो है बार बार कदम भी उठाने की बात कही जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार लोगों से सतर्कता सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। और ऐसे में ज़रूरत भी है कि जो है हम खुद अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपनों की सुरक्षा के प्रति भी जागरूक रहें, ताकि ना हम खुद कोरोना की चपेट में आए, ना अपनों को जो है कोरोना के खतरे में डालें।